गाइस वो रहा ग्रैंड मोनिस वैन, ग्रैंड वैनिस, ये देखो। और उससे पहले है ये एक रेस्टोरेंट था, ठीक है। और यहाँ पर हम अभी हैं ग्रेटर नोएडा के अंदर, तो तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि किस टाइप की ये तस्वीरें हैं यहाँ पे। और ये अभी है 7 बज रहे हैं और ये देखिए रोड निकल रही है, जा रही है। तो देखो यहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, और इधर पार्क है ये, बस यही नज़ारे हैं गाइस, देख सकते हैं तस्वीरें ग्रैंड वेनिस मॉल के। तो अभी बनाया जा रहा है ये। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब, आई होप अच्छे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं। तो गाइस आज मैं हूं इस टाइम पे ग्रेटर नोएडा, जो कि आपका दनकौर के लिए और आपका काशना के लिए जो रोड जाती है, तो तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। और आज मैं इसी चीज़ को दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, तो बने रहिए के पी संत के साथ। मारो ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए के पी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही ब्लॉग्स मैं आप लोगों को बीच में लाता रहता हूँ गाइस। तो देख सकते हैं ये तस्वीर, अभी ग्रेटर नोएडा से मैं निकली उतर ही रहा हूँ ये पेरिफेरल से। तो ये ग्रेटर नोएडा हम जा रहे हैं, और आपको बता दूं कि लेफ्ट में चला जाता है दनकौर के लिए, दनकौर के लिए चला जाता है। और राइट में हम चले जाते हैं इसमें ये काशना, और आपका क्या बोलते हैं ये ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 सेक्टर 5 जो अल्फा बीटा गामा जो हैं इधर इस साइड में पढ़ते हैं। तो आप बने रहिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो ऐसे ही रास्तों से और ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहता हूँ और आप लोगों को एंजॉय करवाता रहता हूँ गाइस। तो आप लोग तस्वीरें खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ के जो रोड्स बना रखे हैं ग्रेटर नोएडा के, काफ़ी लंबे 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 चौड़े रोड्स हैं। और बिल्कुल दोनों साइड में आपको बता दूँ पेड़ पौधे बिल्कुल ग्रीनी ग्रीन आप लोगों को साइडों में देखने के लिए मिलेगा गाइस।
आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं। और आपको बता दूं कि आगे काशना और दनकौर वाला गोल चक्कर भी आएगा, और गोल चक्कर तो फिर हम जाएंगे आपका परी चौक की साइड में गाइस। तो आपको बता दूं कि यहाँ से दनकौर और काशना काफ़ी पास में ही है गाइस, क्योंकि काफ़ी पास में पड़ता है यहाँ पर। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए और आप लोगों को इंटरटेन किया जाए कि यहाँ पर जो ग्रेटर नोएडा के जो रोड्स हैं वो किस टाइप के बने हुए हैं। तो आप लोग दोनों साइड में देख सकते हैं, और आपको बता दूं कि एक से एक के यहाँ पर कंपनियाँ आ रही हैं, यहाँ पर स्टार्ट की जा रही हैं। तो अभी यहाँ पर सोसाइटीज़ भी बन रही हैं। तो आपको बता दूं कि आप लोग अगर दिल्ली में किसी जगह आप रहते हैं और वहाँ पर दिक्कत हो रही है, तो आप ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 की तरफ आ सकते हैं, सेक्टर 5। आपको बता दूं क्योंकि ये परी चौक के करीब ही है, करीब परी चौक से होगा करीब वही 7-8 किलोमीटर के लपेट में ही होगा परी चौक से। तो आपको बता दूं कि जो परी चौक है वहाँ तो बसापत हो गई है अच्छी वाली, लेकिन जो सेक्टर 4 है, सेक्टर 5 है, ये दनकौर की साइड में अभी इतनी बसापत नहीं हो पाई है गाइस। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आ गया कासना का गोल चक्कर गाइस, देखिए। और गोल चक्कर से हम चलेंगे परी चौक की साइड में, तो आप लोग रास्ते खुद ही देख सकते हैं। और मैंने पहले भी इस रूट के काफ़ी ब्लॉग्स गिर रखे हैं ग्रेटर नोएडा के, तो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लेना, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, वो भी आप लोग देख लेना। और मुझे बताना कमेंट करके कि ऐसे रास्ते की आप लोगों को वीडियोस देखना चाहिए, लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊँगा जब आप लोग कमेंट करके हमें बताओगे। रास्ते आप लोग देख सकते हो, क्योंकि इसमें आपको बता दूँ कि देखिए 4 लेन तो ये है, दोनों साइड में 4 लेन है। और इसके आपको बता दूं कि जो सर्विस लेन है वो भी 2 लेन का है दोनों साइड में। तो आप लोग 4 और 4 8, 8 और 4 12, यानी कि 12 लेन के इसमें यहाँ ग्रेटर नोएडा में रोड्स हैं गाइस 12 लेन के। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दोनों साइड में कितना ग्रीनी ग्रीनी हो रहा है, कोई गड्ढा कोई कुछ नहीं मिलेगा, एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा रोड है। और आपको बता दूं कि जब ये ग्रेटर नोएडा बसाया गया था तो ये मायावती के राज्य में बसाया गया था, उस टाइम पे मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी गाइस उस टाइम पे। तो देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि पिछला मैंने जो वीडियो डाला था वो मैंने दिखाया था कि किस तरीके से मायावती ने जो पार्क बनवाया था और उसमें 3 मूर्तियाँ लगी हुई हैं, मायावती जी की, काशीराम जी की, और हमारे जो संविधान करता हैं जिन्होंने संविधान लिखा था बाबा भीमराव अंबेडकर ने। तो देख सकते हैं आप लोग, और नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा आई बटन में, तो आप लोग जाके देखो। और ऐसे ही ब्लॉग्स देखो केपी संत के चैनल पर, पर्डे लाता रहता हूँ और मैं आप लोगों को इंटरटेन करता रहता हूँ गाइस। और हम चल रहे हैं ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 जो अल्फा बीटा गामा के नाम से हैं गाइस। और आप लोग अगर चाहते हो फुल वीडियो तो मैं आप लोगों को दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट करके बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तभी मैं अगली वीडियो बनाऊँगा कि ग्रेटर नोएडा में कौन सी जगह कहाँ पर पड़ती है, कौन सी जगह है, कौन सा सेक्टर है, वो आप लोगों को सब कुछ डिटेल के साथ मैं बताने की और दिखाने की कोशिश करूँगा मेरे प्यारे दोस्तों। देख सकते हैं क्योंकि ये सेक्टर 4 आने वाला है, दूसरा गोल चक्कर आ चुका है यहाँ का, और दूसरा गोल चक्कर को हम क्रॉस करेंगे। देखिए ये सोसाइटीज आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए आप लोग खुद ही देख सकते हैं अपनी आँखों से। और ऐसे ही ब्लॉग्स मैं आप लोगों को बीच में लाता रहता हूँ ताकि आप लोग वीडियोज़ को देखो और आप यहाँ पर आ सको और जा सको। आपको बता दूँ क्योंकि मैं एक्सप्रेसवे से आया था, यानी कि ईस्टर्न पेरिफेरल से गई, तो वहाँ से देखिए बहुत ही इजी है, क्योंकि आप अगर परी चौक जाते हैं और वहाँ से अगर जाते हैं सूरजपुर की साइड में या दिल्ली की साइड में, तो आपको वहाँ पर जाम का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दूँ ईस्टर्न पेरिफेरल से अगर आते हैं तो आपको कोई ही भी आपको कहीं पर भी किसी प्रकार का जाम जूम नहीं मिलेगा गाइस, देख सकते हैं आप लोग। तो ये तीसरा गोल चक्कर आ चुका है और यहाँ से हम हो जाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे, क्यों हम ना सीधे जाएंगे गाइस, तो हम जाएंगे देखिए हम राइट हो जाएंगे और ये सोसाइटी आएगी, इसी सोसाइटी में हमें जाना है आगे। तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, तो सोसाइटी भी देखने के लिए कि कितनी अच्छी अच्छी यहाँ पर सोसाइटी बनाई हैं ग्रेटर नोएडा के अंदर भाई साहब। और यहाँ के रोड्स बहुत अच्छे हैं, आपको बता दूँ कि थोड़ी सी बसावट कम है लेकिन
आने वाले टाइम में वो भी हो जाएगी 4-5 सालों के अंदर। लेकिन बहुत अच्छी जगह है, बहुत बढ़िया जगह है गाइस। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर यहाँ पर अपना घर लेना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप लोग सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग आ सकते हैं। और आपको बता दो, ये ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 में आता है गाइस। और सोसाइटी देखोगे तो बहुत ही सुंदर सोसाइटीज बनाई हुई हैं, और रोड भी यहाँ के बहुत सुंदर सुंदर हैं। और देख सकते हैं दोनों साइड में यहाँ ग्रीन ग्रीन ही है, ग्रीन ग्रीन सा ही है। चारों तरफ आप नज़र उठा के देखें तो ग्रीन ही ग्रीन चमकेगा। और देखिए, आपको यहाँ पर कहीं पर भी अभी ज़्यादा चहल पहल नहीं मिलेगी देखने के लिए। तो मुझे तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगा गाइस, आपको बता दूँ बहुत ही अच्छा। क्योंकि देखिए, आगे वाली सोसाइटी में हम जाएंगे, आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कौन सी सोसाइटी है वो भी है, ये ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 में पड़ता है। और ये है कासना के पास में गाइस, और यहाँ से दनकौर पास में ही पड़ता है। और आपको बता दूँ, जेवर एयरपोर्ट और ये जो बन रहा है, देखिए ये सोसाइटी आ चुकी है। इसके अंदर हम आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर बहुत कड़ी यहाँ सिक्योरिटी भी है। ऐसी वैसी यहाँ सिक्योरिटी भी नहीं है, बहुत मुस्तैद रहती है यहाँ की सिक्योरिटी गाइस, बहुत ज़्यादा मुस्तैद। तो चलिए, आप लोग इन्जॉय कीजिए, और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही ब्लॉग्स मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ गाइस। तो चलिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी से, तो आप लोग इन्जॉय कीजिए इस वीडियो को, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।